प्रो रेसलिंग लीग सीजन 4 की आज हमें पहली फाइनलिस्ट मिल गई है और वो टीम है पंजाब रॉयल्स, जिन्होंने यूपी दंगल्स को 5-4 से हराया और पंजाब रॉयल्स लगातार 3 बार फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है। जो 2 मुकाबले सबसे क्लोज और जिसको कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट रहा, वो था नितिन राठी का और अनीता का। सबसे पहले हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बधाई हो, पंजाब रॉयल्स इस बार दोबारा सीजन 4 में फाइनल्स में पहुँच गई। कितना टफ था आज का आपका मुकाबला? आज टफ था और स्टार्टिंग में ही नवजोत ने अटैक किए क्योंकि कल नहीं कर पाई थी, तो आज ये था कि उसको भी कि भी मैं अच्छी बाउट लड़ूं और मेरे को ये था कि मैं लास्ट तक लड़ूंगी और लास्ट तक 10 सेकंड में भी मैं अटैक कर सकती हूं, मेरे को ये कॉन्फिडेंस था, तो उस कॉन्फिडेंस से बाउट मैं जीत गई। कहीं फ़ायदा मिला कि कल भी उनसे आपने फ़ाइट किया था, उसके बाद आज लगातार उनसे दूसरी बार फाइट करने का एक स्ट्रैटेजी पता लग गई थी किस तरीके से खेलना है? यस, मैं 3 साल के बाद 4 साल के बाद नवजोत से बाउट हुई है, तो मेरे को कल एक बार लड़के फिर पता लग गया था भाई कल भी मैं अच्छा करूँगी। तो एक बार व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि एक कमबैक है अनीता के लिए, क्योंकि 90 किलोग्राम वजन कैटेगरी में 90 किलो तक वजन हो गया था, उसके बाद वजन कम किया। मनोज जी, आपको ज़्यादा पता है क्योंकि आपने इतने सालों तक रेसलिंग कवर किया है, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे अनीता? देखिए, अनीता जो है, इनको मैंने जब भी देखा राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल चैंपियन बनते हुए देखा है मैंने इन्हें, और मैं अब जिस तरह की इनकी अच्छी फॉर्म है उसको देखते हुए मैं ये कहूँगा कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वो मुकाम हासिल करें जो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हासिल किया है। और जो 62 किलोग्राम का जो वजन है उसमें साक्षी मलिक को बहुत कंपटीशन नहीं मिल पाता था, और जैसा अनीता ने जिस तरह से आज बैक साल्टो की एक पोजीशन बनाई और उसके अलावा जो इस तरह से भारंदाज किया, वो ऐसी टेक्निक्स हैं जो बहुत सिद्धस्त पहलवान ही लगा सकता है। और इन्होंने वापसी की है, 90 किलोग्राम तक इनका वजन हो गया था उसको ये 65 किलोग्राम तक लेकर आई हैं, इनका एक बेटा भी है 1.5 साल का। तो मैं कहूँगा कि ये तमाम महिलाएं जो इस वक्त इनके मुकाबलों को देख रही होंगी या खेल के क्षेत्र में जो आई हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक होगा, बहुत बड़ी चुनौती होगी, और अनीता ने उसको साकार कर दिखाया है। और ये साक्षी मलिक के लिए भी मैं कहूँगा आने वाले समय में एक चुनौती साबित हो सकती हैं। हम तो यही दुआ करेंगे कि जैसे इनके बढ़ते कदम हैं वो थमे ना और लगातार बढ़ते ही जाएँ। रेसिंग लीग 4 की एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है अनीता की, नितिन से ही बात करेंगे। नितिन, आज आपका मुकाबला काफ़ी टफ रहा, 2-2 पे ख़त्म हुआ, लेकिन एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था पूरे मैच के लिए पंजाब रॉयल्स के लिए, आपने उनको शिकस्त दी, किस तरीके से आज का मुकाबला देखा? आज का मुकाबला थोड़ा टफ था क्योंकि वो मेरे से ऊपर वाले वेट का पहलवान है, वो 65 में अभी सीनियर में ब्रॉन्ज मेडल आता उसका, लेकिन मैंने उसको पहले 2-3 बार हरा रखा है तो थोड़ा दबाव था, लेकिन कुलदीप सर हैं उन्होंने बोला कि तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं और खुल के लड़ना, जो होगा वो देखा जाएगा, और मैं खुल के लड़ा और अच्छा लड़ा। क्या कहेंगे आज की इनकी फाइट के बारे में, क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट था, इनकी वजह से शायद मोमेंटम पंजाब रॉयल्स की तरफ आया और लगातार 3री बार फाइनल से पहुंचे। हालांकि 0-2 से पिछड़ रहे थे ये, और उसके बाद इन्होंने शानदार तरीके से वापसी की, और मुझे तो इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था क्योंकि पिछले साल मैं इनकी टीम के साथ जुड़ा हुआ था बतौर सलाहकार, तो वहाँ पर भी मैंने देखा तब इन्होंने दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी आंद्रे जासेंको को हराया, और जो राष्ट्रीय स्तर के जो पहलवान जो मुख्य धारा में है उन सबको इन्होंने एक एक करके हराते चले गए, और ये स्टार बन गए थे पिछले उसके लीग के, और इस बार इनको अपना खाता खोलना था जीत का, थोड़ा जूझते हुए इनको देखा गया, इस बार थोड़ा सा निराशा ज़रूर हुई थी, लेकिन आज इन्होंने सारी निराशाओं को दूर कर दिया और टर्निंग पॉइंट साबित हुए अपनी टीम के, और अपनी में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीजन 4 की पहली टीम पंजाब रॉयल्स में मिल चुकी है फाइनलिस्ट, दूसरी टीम कौन होगी, किस तरीके से आप देखते हैं कल के मैच को जो दिल्ली और यूपी जो दिल्ली और हरियाणा के बीच में होने वाला? देखिए, प्रो रेस्लिंग लीग में जितनी भी टीमें भाग ले रही हैं उनके बीच में अंतर इतना कम है ना कि आप भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है। कल आलम यह था कि जो यूपी दंगल की टीम जो 6 नंबर की टीम थी, यदि वो 5-2 से जीतती एक बाई फॉल के साथ, वो 1 पर आ सकती थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना टफ मुकाबला है, और सारी टीमें बराबरी की टीमें हैं और ऐसा पहले कभी लीग में देखने को नहीं मिला है, तो इसलिए भविष्यवाणी तो करना बहुत खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ अच्छी कुश्तियाँ आपको इस मुकाबले में देखने को मिलेंगी। भविष्यवाणी करना प्रो रेसलिंग लीग में खतरे से खाली नहीं है, हालांकि आपको बहुत बहुत बधाई, आज पंजाब रॉयल्स फाइनल में पहुंचा, और अब देखना होगा कि कल कौन सी टीम फाइनल में अपनी जगह बनाती है और पंजाब रॉयल्स के साथ मुकाबला करती है और प्रो रेसलिंग लीग सीजन 4 का खिताब अपने नाम करती है। कैमरा पर्सन रत्नेश के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मतलब अंगा